गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो आज का व्लॉग है 13th of Feb, कल है वैलेंटाइंस डे। तो मैं आज गई थी खुद को पैम्पर करने, थोड़ा सा हेयर कट लेने और थ्रेडिंग वगैरह करवाने। तो आज मैं पार्लर में काफ़ी टाइम स्पेंड करके आई हूँ अपना। आपको मेरे बाल भी चेंज लग रहे होंगे, मैंने न्यू हेयर कट लिया है। और बताइएगा आप लोग कैसे लग रहे हैं? तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये नया हेयर कट कैसा लग रहा है मेरे ऊपर। और मैं आज आपको फुल ब्लॉग दिखाने वाली हूँ हेयर कट का, कि मैं कहाँ गई थी। और मैं लकी हूँ कि मेरे घर से बहुत नज़दीक है पार्लर, हार्डली हाफ मिनट का भी रास्ता नहीं है, मतलब कि इस गली से निकले और पार्लर है सामने, तो ऐसा है। तो बहुत नज़दीक है पार्लर, और वहाँ पर जो कटिंग भैया करते हैं वो बहुत अच्छी करते हैं। मतलब मैं 2-3 साल से उनसे कटिंग करवा रही हूँ और मुझे सच में उनके हाथ की कटिंग बहुत पसंद आती है। मतलब बालों का लुक बिल्कुल चेंज कर देते हैं, जैसे कि आपको लग भी रहा होगा कि मेरे बाल मुझे इतने प्यारे लग रहे हैं। सुबह सुबह सुमित पुच्चू को लेने आ गया था और पुच्चू चली गई थी अपनी नानी के घर। सबसे प्लस पॉइंट ये था, वरना पार्लर में मुझे इतनी देर बिल्कुल नहीं बैठने देती वो। और वो चली गई थी मम्मी के पास, अपनी नानी के घर। उसके बाद मैं गई 3 बजे करीब पार्लर, और मैं हेयर वॉश करके गई थी। उसके बाद बस कटिंग करवाई थी, ये मेरी पहले का लुक जब कटिंग नहीं करवाया था उससे पहले का। और मैंने भैया से ही कहा था कि फुल लुक ले लो, आप देख सकते हो मेरे बाल ज़्यादा लंबे तो नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा था। शायद इस टाइम प्रेगनेंसी की वजह से हो रहा होगा, पता नहीं। तो मैंने सोचा एक थोड़ा सा लुक भी चेंज हो जाएगा, हेयर कट भी हो जाएगा। वैसे ना मेरा हेयर कलर करवाने का बहुत ज़्यादा मन है, या मैं हाईलाइट करवाऊँ या ऑम्ब्रे करवाऊँ, कुछ ना कुछ। लेकिन अभी मैं केमिकल यूज़ करवाना नहीं चाहती बिल्कुल ही बालों पर। और भैया वही बात पूछते हैं कि मतलब हर बार मैं रेट पूछ कर जाती हूँ कि इसका क्या रेट है, उसका क्या रेट है, और बाद में मैं करवाती भी नहीं क्योंकि बहुत टाइम भी लग जाता है। तो मेरे घर में शादी भी होगी शायद इस साल लास्ट, मतलब नवंबर दिसंबर में, तो मैं सोचूँ तब मैं अपने बालों का लुक चेंज करवाऊँ और तब डिलीवरी भी हो जाएगी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी केमिकल यूज़ करवाने बालों में। तो देखिए बालों को किस तरह से कट करके वो सेट कर रहे हैं, और बहुत अच्छे सेटिंग भी कर दी उन्होंने मेरे बालों की। और मैं उनसे पूछ रही थी घर में हम ऐसे सेटिंग क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि हम बाल तो हमारे ही हैं। तो भैया कहते नहीं, खुद से ऐसा होता नहीं है, लेकिन बालों में इतना शाइन आ गया, इतना अच्छा सेट कर दिया। और मैं जब बाल कटिंग करवाने गई उससे पहले मैंने ट्रेस्मे का हेयर मास्क भी लगाया था, वो मुझे भैया ने सजेस्ट किया था कि उससे बाल रफ नहीं होंगे आपके, नहाने से पहले या नहाने के बाद हेयर मास्क यूज़ कर सकते हो। तो मैं हेड वॉश करने से पहले हेयर मास्क लगाती हूँ, मोस्टली मैं ऐसे ही करती हूँ क्योंकि मेरे बाल ऑयली हैं। अगर मैं पहले बाद में लगाती हूँ, जब बालों को धो लेती हूँ, तो मेरा शैम्पू हार्डली 1-2 दिन भी नहीं चलता। वैसे मेरे शैम्पू 1-2 दिन से ज़्यादा चलते नहीं, मैं कंडीशनर यूज़ कर भी नहीं पाती हूँ। तो अब देखिए बालों को इतना अच्छा सेट कर दिया भैया ने, और पीछे सब देख रहे थे कि मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ। और मैंने ये चीज़ सीख ली है कि व्लॉगिंग करने के लिए ना आपको थोड़ा सा तो आउटवर्ट होना पड़ेगा, ये नहीं कि आप शर्माते रहो, आप कहीं व्लॉगिंग ही ना कर पाओ तो फिर आप नहीं कर पाओगे। आपको थोड़ा सा है, मतलब ये हमारा प्रोफेशन है तो हमें प्रोफेशनल तरीके से भी लेना पड़ता है। और मैं पूछ लेती हूँ जहाँ भी मैं जाती हूँ कि मैं व्लॉगिंग कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ। और मैं लास्ट 2 वीक से सोच रही थी कि मैं हेयर कट करवाऊंगी, और मैंने एक व्लॉग में बताया भी था, लेकिन ना आलस की वजह से बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। इवन आज ही मुझे बहुत आलस आ रहा था कि मैं सो जाऊं दोपहर में, मैं ना जाऊं, लेकिन फिर मुझे लगा कि पुच्चू नहीं है, राहुल भी नहीं है, तो मुझे करवा लेना चाहिए। कल वैलेंटाइंस डे भी है, तो क्या पता अगर राहुल आएँ और उनके पास टाइम हो, ऑफिस ना जाएँ, तो हम कहीं बाहर भी जाएँ थोड़ा बहुत घूमने के लिए। तो इसलिए मैंने सोचा थोड़ा सा अपना लुक चेंज कर लेती हूँ उससे पहले। और देखिए हेयर कट हो चुका है और फाइनल लुक कुछ ऐसा आया है मेरा। Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces all the time. Pictures so perfect we play through. Only 'cause you set up the angle. Web that you weave got us tangled, caught in what's before our eyes. Show off your fantasy reality. Whoa, that's yours, but I'll keep doing mine. गाइज अगर आपको आज की वीडियो, आज का व्लॉग पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड हैप्पी वैलेंटाइंस डे टू ऑल ऑफ यू। अपना ख्याल रखिए, खुद को बहुत प्यार करिए, बहुत पैम्पर करिए, क्योंकि हम अपने वैलेंटाइन खुद भी हैं, हमें खुद को भी बहुत प्यार करना चाहिए। मच फॉर वॉचिंग, टिल देन स्टे ट्यून्ड।